दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं दमन में हूँ और दमन बीच के ऊपर हूँ और ये आपके सामने घूमता हुआ जो दिख रहा है लाइट टावर, और यहाँ अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर ये मंदिर है। मंदिर को यदि और जूम करके दिखाऊँ तो समुद्र नारायण मंदिर, ये यहाँ पे मैं हूँ अभी। और ये पूरा गोवा का सॉरी दमन का बीच है। आप देखें तो ये बीच के साइड में, क्योंकि समुंदर है तो ये बोटिंग का यहाँ पर आपको बड़े बड़े बोट देखने को मिल जाते हैं, छोटे बोट। और ये सामने किला है, यहाँ का किला जो पुर्तगाल से जब लोग आए थे पुर्तगाली, उस टाइम के ये किले हैं। और ये पूरा यहाँ का व्यू है आप देखें तो। और सामने एक ब्रिज है जो दोनों दमन को, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ जहाँ से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये नानी दमन है। और यदि हम वो ब्रिज से जाते हैं तो वो साइड में जो दमन है ये मोटी दमन, इसको बोलते हैं मोटी दमन, नानी यानी छोटा, मोती यानी बड़ा। और यहाँ पर आई लव दमन भी लिखा हुआ है, अभी ये स्क्रीन पे सही आ नहीं रहा है, आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मोटी दमन है, मोती दमन बोलते हैं, मोती MOTI मोती दमन। और ये पूरा हिसाब किताब है, पूरा वीडियो देखें। दमन की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ मैं, जिससे आप घर बैठे इसका आनंद ले सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने दो बोट खड़ी हैं और ये आप बॉक्स देखें और ये पूरे बोट देखें, तो अभी दो लोग उसमें कुछ लगे हुए हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ क्योंकि समुंदर है तो समुंदर से मच्छी पकड़ना और वही एक रोज़गार कारोबार होता है यहाँ पर ज़्यादातर। समुंदर के किनारे वैसे तो जो भी देश है वहाँ पे मच्छी का कारोबार तो होता ही है, तो यहाँ भी है दमन में भी ये मच्छी पकड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से आपको बहुत सारी ये बोटें खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये नानी दमन के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है उसका बाहर का व्यू, ये पोर्चुगीज जब आए थे यहाँ पे उसी टाइम का है ये, और काफ़ी बड़ा सा एक गेट भी लगा हुआ है। और ये सामने का बाहर का व्यू है अब देखें तो, आइए अंदर चल के देखते हैं इसे। ये गेट के बाहर जो बनाए हुए हैं दोनों तरफ और ऊपर एक बड़ा सा किताब लेके खड़े हैं हाथ में, और ये यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है दोनों तरफ, इधर भी है और ये साइड में भी है। और ये गेट है और ये सामने यहाँ के पूरा बीच है। ये मंदिर समुद्र देवी मंदिर, और ये पूरा सामने का व्यू है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। काफ़ी बड़ा गेट और इसके अंदर बड़े बड़े किले लगे हुए और लकड़ी का, अभी तो ये जर्जर हो गया है। और ये पूरा यहाँ का आइए इधर से अंदर देखते हैं। अंदर चर्च है बड़ा सा एक, और एक घर जैसा बना हुआ है जो हाई स्कूल है,
हाई स्कूल है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। और ये पूरा अंदर का व्यू है, इधर ऊपर भी जा सकते हैं इसमें। और ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का है। I am the way and truth and the life. No one comes to the Father but by me. ये John 14:6 का कुछ लेख यहाँ पर लिख रखा है। और ये क्रॉस का निशान यहाँ पर, और अंदर भी एक चर्च है। होदी इमिही क्रॉस तिबी, ये शमशान घाट है। और ये पूरा यहाँ का व्यू है। इधर भी एक गेट बना हुआ है। तो यही है पूरा यहाँ का हिसाब किताब। आइए और आगे देखते हैं दमन को। ये यहाँ का, और ये बाजू में कब्रिस्तान, और ये पूरा हिसाब किताब। आइए चलते हैं, आइए दमन को देखते हैं, आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर आपको पाव बड़ा हर जगह मिल जाता है। ये देखिए अभी गर्मा गर्म बना है। कितने का एक देते हो? सिंगल? हाँ, 10 रुपये का सिंगल, 10 रुपये का, और डबल 20 रुपये का। हाँ सिंगल दे दो एक। ये आपको हर जगह मिल जाते हैं ऐसा पाव बड़ा वगैरह। ये यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। और ये गार्डन के बाहर का पूरा व्यू है, जेट्टी का राज, सॉरी जेट्टी का राजा। और ये यहाँ पर कुछ लगी हुई है फोटोएं, साल लिखे हुए हैं उसके साथ में, जेट्टी यूथ ग्रुप। आइए आगे चलते हैं। और ये काफी अंदर पुराने पुराने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं गेट जैसे। और ये पूरा यहाँ का व्यू है रोड का। हिज हाइनेस प्रिंस आका खान सिया इमामी इस्माइली जमात खाना, ये इस्लामिक सियाओं का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर, मस्जिद जैसा या एक जगह बनी हुई है। और ये पूरा यहाँ का व्यू है। और ये सामने पूरा बिल्डिंग और मार्केट है। आइए आगे चलते हैं। ये पूरा यहाँ का हिसाब किताब, ये देखिए पुराना ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। और ये पूरा रास्ते का, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए आप दमन की गलियाँ, और ये पूरा मार्केट, ये पूरा मार्केट है। और ये टैक्सी वाले भैया हैं। और ये पूरा यहाँ का व्यू आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ का मार्केट, और ये टैक्सी वाले भैया थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, अभी आगे निकल गए। मैंने वीडियो शुरू किया तो आगे निकल गए। दमन में ये पहला ही एक्सपीरियंस था ऐसा कि कोई परेशान करता नहीं, तो यहाँ परेशान लोग करते नहीं। मैंने ये देखा, मेरा एक्सपीरियंस यही था कि कोई परेशान करता नहीं है, सब अपने काम से काम रखते, किससे बात किया तो ही बात करते, नहीं तो बात नहीं करते। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, और अर्थ क्षण जो भी है बोलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जाने तो कोई बात नहीं। तो ये पूरा मार्केट यहाँ का, आइए और आगे चलते हैं।